तो आज हम बात करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल रिपोर्ट ऑटोमेशन में। हम दिव्य माइक्रो प्रोग्रामिंग पे बात कर रहे थे और आज का टॉपिक हमारा फॉर्म का था, मतलब डेटा को एक शीट से दूसरे शीट पे हम कैसे भेजेंगे, ये हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। तो चलिए हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि फॉर्म एट्रैक्टिव फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इंटरफेस बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। कोडिंग कर लेने से, फॉर्मूले लगा देने से आपका रिपोर्ट परफेक्ट नहीं हो जाता है जब तक कि उसमें इंटरफेस ना हो। मैं सही बात कर रहा हूं अभिषेक जी? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पहले बताता हूं कि मैं आखिर क्या एग्जांपल क्या है हमारा। मान लीजिए कि मेरे पास दो शीट है, एक है हमारा फॉर्म और दूसरा है हमारे पास डेटा। तो मैं यहां पे नेम, यहां पे मान लीजिए सिटी और यहां पे हमारा अमाउंट है, छोटा सा एक सिंपल सा बना रहा हूं आपको समझने के लिए। राइट, नेम, सिटी और अमाउंट, बस इसको बड़ा करता हूँ। हाँ, इसको कलर कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूं कि ये मैं यहाँ पे फॉर्म की तरह मैं यहाँ पे लिखूं पूजा, सिटी दिया दिल्ली और अमाउंट दिया मान लीजिए 1500। तो ये क्या हो, डेटा शीट में एक के नीचे टाइप आई हो जाए, टाइप होते चले जाए, जनरली जो फॉर्म में हमारा होता है। मतलब कि हम यहाँ एंट्री ना करें, हम एंट्री यहाँ करें और यहाँ बटन पे क्लिक करें, डेटा ऑटोमेटिक एक के नीचे चलता है। तो प्रॉब्लम क्या है समझ में आ गया आपको? इसका देखिए हम इसका सॉल्यूशन कैसे तैयार करते हैं। तो यहां हम देते हैं सब्जेक्ट आर या सेंड, जो भी दे दीजिए, आर की जगह पर सेंड कर देता हूं। उसके बाद मैंने यहां दे दिया रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सेस आप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज बी टू, बी है ना, बी लिख दिया हमने, बी टू डॉट वैल्यू। यहाँ बी टू है हमारा, बी टू बी थ्री है, तो अब बी टू को मैं बी थ्री कर देता हूँ। हाँ, बी थ्री डॉट प्रॉब्लम हुआ कि किस सीट पे, क्योंकि हमारा सीट अलग अलग है ना, यहाँ पे सीट का रेफरेंस देना होगा। आपने यहाँ पे दे दिया डेटा, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा डेटा सीट की एज 65,000 से सेल पे और वहां से एक्सेल कंट्रोल के साथ अप एरो को प्रेस करके सबसे लास्ट में आएगा। और ऑफसेट क्या करेगा, उसको एक रो नीचे आएगा, इसकी वैल्यू बी थ्री के बराबर कर देगा, मतलब पूजा कर देगा। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मैंने इस रेंज का आगे तो सीट का नाम दिया, पर रेंज बी थ्री का आगे सीट का नाम क्यों नहीं दिया? ना करने के पीछे रीजन ये है कि जो माइक्रो रन होगा एक बटन पे क्लिक कर, और बटन पे क्लिक करने के लिए हमें फॉर्म सीट को एक्टिवेट तो करना ही पड़ेगा ना। तो हम अगर नहीं देंगे तो एक्टिव सीट लेगा, एक्टिव सीट हमारा फॉर्म है। तो ऐसी जरूरी नहीं कि देना ही नहीं है, आप दे भी सकते हो, लेकिन देना यहाँ जरूरी नहीं है, बट यहां आप दे सकते हो। ओके, जैसे हमने यहां पे दे दिया फॉर्म, अब इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट, तीन लाइन है, तीन पेस्ट किया और यहां पे हमने 0 और यहां पे 1 और यहां पे हमने हमारा बी फाइव हो जाएगा और नीचे हमारा बी एट हो जाएगा। ये कैसे होगा, तो पहले बार में तो इसने पूजा लिख दिया यहाँ पे, अगली बार नीचे से ऊपर जाएगा तो हमने ऑफसेट में दिया हुआ 0,1, 0 रो मतलब कि सेम रो की अगली कॉलम में सिटी डालेगा, फिर यहाँ पे ऊपर जाएगा 0,2, सेम रो के अगले कॉलम में अमाउंट डालेगा। अब इसको रन करते हैं किससे, यहां पे एक बटन डिफाइन कर लेते हैं,
बटन डिफाइन हो गया, सेंड का हमने यहाँ पे डाल दिया, और यहां हम देते हैं जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैक्रो रन हो जाएगा, डेटा यहाँ आया, लेकिन डेटा गया ऐसा कुछ मैसेज नहीं आया, फिर वापस इसको दोबारा टाइप करने के लिए मुझे खाली करना पड़ेगा। तो ये चीजें भी आप यहाँ पे दे सकते हैं कि MSG बॉक्स और यहाँ पे डेटा हैव और यहाँ हम दे देते हैं रेंज B3 कॉमा B5 कॉमा B8 और क्लियर कंटेंट। तो अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैसेज भी देगा और इसको क्लियर कर देगा। आया समझ में आप लोगों को सर? अब से एक चीज भी इसमें कोई डाउट है? नहीं सर, चलिए वापस हम चलते हैं कोड। तो हम बात कर रहे हैं हमारे इस क्लास में फॉर्म की। जैसे आपने देखा कि हमने एक सिंपल सा फॉर्म बना दिया और जिस फॉर्म बनाने के बाद हम कुछ भी यहाँ पे टाइप करते हैं और यहाँ पे सबमिट करते हैं तो एक अगली शीट में हमारा चला जाता है, राइट। बट मुझे एक फॉर्म की तरह चाहिए, क्योंकि ये तो सॉमर ऐसे मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया, पर आपने जो मुझे भेजा तो इनवाइस के भेजा था, वो फॉर्म की तरह नहीं हो सकता है। हालांकि उसको भी फॉर्म की तरह यूज किया जा सकता है लेकिन परफेक्ट नहीं। तो क्या एक सटीक फॉर्म बनाया जा सकता है अट्रैक्टिव? तो मैंने गूगल पे फॉर्म को सर्च किया है, बहुत सारे फॉर्म है, तो मैंने इस फॉर्म को एक बार चूज किया। मैं सेम फॉर्म बनाना चाहता हूँ एक्सेल शीट पे, तब जाके मैं इस पे कोडिंग करूंगा। तो मैंने ऐसे ही इसको ले लिया यहां पे और इसको मैं पेस्ट कर देता हूं। ओके, अब मुझे ऐसा ही सेम फॉर्म बनाना है। सबसे पहले मैं एक सिलेक्टेड एरिया को लिया हमने और उसको हमने कलर कर दिया, बाद में मैं इसको हटा दूंगा। हमने इस पे एक कलर नहीं, ये भी नहीं है, तो अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं। ये ठीक है, ओके। और जितना एरिया है उतने एरिया को मैं यहां से सिलेक्ट एक छोड़ दिया, यहां भी एक छोड़ दिया, नीचे तक ले लेता हूं। बाद में कुछ घटेगा बढ़ेगा तो ऐड कर लूंगा, अभी तो रूपरेखा तैयार हो रही है। उसके बाद मैं यहां ये तैयार तो हुआ लेकिन थोड़ा सा लाइट होना चाहिए था, लाइट ले लेता हूं। और सबसे पहले यहां रजिस्टर हमें लिखना है तो मैंने इसको मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद मैं इसको लिखता हूं रजिस्टर, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूं। आगे पीछे हमारी लाइनिंग है तो मैं यहां पे इस तरह की लाइनिंग भी दे सकता हूं, लेकिन इस तरह की लाइनिंग में डॉट हो जाता है। लेकिन ये तो हाँ, इसका भी उपाय हो सकता है। सही नहीं रहेगा, रजिस्टर है। अगर ऐसी दिक्कत है तो हमारे पास इंसर्ट ऑप्शन है। इंसर्ट में मैं यहां से क्या कर रहा हूं, सैप्स में
लाइनिंग हमारे पास है, ये लाइन सबसे अच्छा है। अब इस लाइन का कलर ब्लैक होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इसको ब्लैक किया और इसी को कॉपी करके मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसकी थिकनेस थोड़ा सा कम है तो विड्थ में जाइए, थोड़ा सा थिकनेस को मैं बढ़ा देता हूँ। बाद मुझे यहाँ मैसेज देना है, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके मर्ज कर देता हूँ। नाम मैं लिख देता हूँ क्रिएट यो अकाउंट, ऊपर वाली हमने इसमें हमारा ये है रजिस्टर है, तो इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ मैं रो को, ताकि ऊपर की तरफ थोड़ा सा चले, और थोड़ा सा बड़ा करना है थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए ताकि पूरा कर दीजिए। उसके बाद मुझे यहाँ पे नेम देना है, तो थोड़ा सा बड़ा करना इसको चौड़ा, ऊपर वाला बिगड़ गया ना सर, कोई बात नहीं उसको हम कर लेंगे। और इसकी कलर जो है, इसकी कलर को मैं व्हाइट कर देता हूँ और इस पे हम बॉर्डर लगा देते हैं, ऐसा पतली बॉर्डर लगाते हैं मोटा बॉर्डर। ओके, और उसके बाद यहाँ है इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्योंकि फ्लास्ट नेम के लिए, और इसको भी सेम हम कर देते हैं। ईमेल आईडी है हमारा, तो यहाँ छोड़ के नीचे 14 पे आते हैं और इसको सेलेक्ट कर देते हैं और इसकी कलर वाइट कर देते हैं और इसमें सिर्फ राउंड बॉर्डर ही हम लगाएंगे। उसके बाद हमारे पास पासवर्ड का भी सेम सिस्टम है, थोड़ा सा बड़ा हो गया ज्यादा और छोटा हो गया, तो पासवर्ड के लिए भी एक छोड़ता हूँ नीचे यहाँ आता हूँ और इसको भी मैं सेम बॉर्डर देता हूँ और इसको यहाँ से हम थोड़ा सा बड़ा। देखिए अब दिख रहा है बिगड़ गया हमारा, जो फालतू में यहाँ एरिया बचा हुआ है एक कलर छोड़ के हम इसको डिलीट कर दे। थोड़ा सा काम आएगा जो ही थोड़ा सा इसको छोटा करना, काफी ज्यादा हो गया। इसको और फिर से सेट कर, इसको लास्ट में लगाएंगे सही बेटर रहेगा। उसके बाद यहाँ एक ये जो इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा जगह कम ले। अब जैसे जरूरी नहीं है जैसा बना है ऐसे बना, अगर हम उससे बेटर बना सकते हैं तो बेटर रखेंगे। तो यहाँ का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। यहाँ हम एक चेकबॉक्स भी लेना है, तो हम डेवलपर में आते हैं और ऊपर जो चेकबॉक्स है उसको ये ले लेते हैं चेकबॉक्स हमारा, और इसको यहाँ पे हम ड्रैग करते हैं और यहाँ पे मैटर लिख देते हैं। अच्छा,
इसको राइट क्लिक करके हम इसमें फॉर्मेट कंट्रोल में आते हैं और यहाँ पे कर देते हैं सेल लिंक हमारा यहाँ टू एन यहाँ साइड टू एन फॉल्स देगा। अब क्या होगा कि इसमें मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ ट्रू आएगा या फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स। अब ये ना दिखे बाद में इसकी कलर चेंज कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे इसमें बटन भी चाहिए एक अच्छा खासा, लेकिन मैं बटन यहाँ से असाइन नहीं करना चाहता, हम चाहते हैं कि बटन यहाँ से बने एक अच्छा बटन दिखे, तो सेट में हमने इसी को ले लिया और हमने इसको डिजाइन। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग हम यहां से चेंज कर, ये सही है, छोटा करना है छोटा भी करके यहां पे लिखते हैं नाउ और इसको थोड़ा सा हम बड़ा मैं ऊपर जो है बहुत सारा एरिया हमारा रह गया है उसको बस इसको बड़ा कर देता हूँ, साइड वाले एरिया को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा छोटा करता हूँ, नीचे का बहुत सारा एरिया है उसको हटा देता हूँ और एरिया छोटा सा एरिया रखता हूँ, ये भी फालतू में है इसको भी डिलीट करता हूँ। ओके, अब मैं इसको अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूं, इसको भी थोड़ा सा छोटा, बन गया सर फॉर्म। मैं इसको डिलीट कर देता हूं, इसमें अभी और भी चीजें बाकी है। अब पता है इसमें हेडिंग तो मैं डाला ही नहीं ना सर, यहाँ हेडिंग है ना यहाँ पे फुल नेम फर्स्ट नेम, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहाँ पे डाल दू फर्स्ट नेम तो प्रॉब्लम होगा कि जब ये एंट्री करेगा तो चेंज हो जाएगा ना फिर, तो हमें कुछ ऐसा करना है कि यहाँ विजिबल हो, जब इसमें एंट्री करे तो हट जाए तो वापस जब ब्लैंक हो तो वापस दिख जाए, जैसे कि वेब फॉर्म में होता है क्या सर, देखा होगा आपने वेब फॉर्म में। तो मैं यहाँ साइड पे क्लिक करता हूँ, इसका एक ट्रिक है, मतलब एक ट्रिक्स है, फर्स्ट नेम हमने लिखा, इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, मैं इसकी जो फॉन्ट कलर है फॉन्ट कलर को थोड़ा सा डार्क, अभी भी तो नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ मिडल में और मिडल में करता हूँ सेंटर में। उसके बाद यहाँ देखिए इंडेन दिख रहा है आपको सर, इंडेन से हम अपनी इसकी पोजीशन को बढ़ा घटा सकते हैं, हो गया सर। तो इसमें हम फॉर्मेट में आते हैं बॉर्डर, बॉर्डर नहीं दिख रहा है। इसके बाद यहां हम दे देंगे लास्ट नेम, मैं अप कर देता हूं और इसको भी मैं यहां से कलर जो है हमने अपने हिसाब से कलर दे दिया और इसको भी हम यहां से इंडेंट कर देते हैं, ऐसे यहां ईमेल
कंफर्म पासवर्ड इन दोनों को इस तरह से निकालना है। ये मिलेंगे स्पेलिंग साइड में बॉर्डर आ जाता है, बट क्यों नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। इसे पहले वाले पे किया था तो आ गया। ओके, हाँ, बॉर्डर का एक ऐसी दिक्कत है, तो यहां से मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाता हूँ और बॉर्डर को हटा देता हूँ। वैसे भी बॉर्डर यहाँ पे है, ठीक दिख रहा है ना सर? पता कि ऐसे दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मैं बॉर्डर यहाँ से हटा दिया। इसकी कलर ब्लैक होनी चाहिए। बॉर्डर हटाता हूं इसे। या फॉर्मेटिंग कलर तो मुझे यहां देना है ना। इसको भी सेम कलर, इसको भी सेम कलर, इसकी कलर बाद में हटा दीजिए, इसको कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, जैसे मैं, मुझे यहाँ नाम लिखना है, मैंने यहाँ पे पूजा लिखा, तो ये देखिए हट गया, ऑटोसेशन आ गया सर। इसको और बेटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके जो बाकी जितने भी ब्लैंक रोज है उसको मैं यहां से हाइड कर देता हूं, और नीचे जो ब्लैंक रो है उसको भी मैं यहां से हाइड कर देता हूं। हाइड हो गया, और फिर यहां पे इसको इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको इसको राइट क्लिक करता हूं और इसमें फॉर्मेट सेल पे जाता हूं, प्रोटेक्शंस में लॉक को हटा देता हूं। ओके, और यहां मैं प्रोटेक्ट शीट करते समय हम बोलते हैं सिर्फ लॉक सेल, सिलेक्ट लॉक सेल को मैं अनचेक कर दिया और हमने यहां पे एडिट ऑब्जेक्ट को चेक कर दिया। इससे क्या हुआ कि कर्सर मेरा इनके अलावा कहीं और मूव नहीं करेगा, ठीक है, ये और क्लिक नहीं कर पाऊंगा। अब जो प्रोग्रामिंग आपने हमने इसके लिए की थी, सेम प्रोग्रामिंग हम यहां पर करेंगे और राइट क्लिक करके इसमें असाइन मैक्रो करके उस मैक्रो को असाइन कर दो। समझ गए सर? तो डेटा क्या होगा यहाँ पे, यहाँ पे डेटा, डेटा में एक डेटा तो है ही, एन डेटा कर देता है। अब एन डेटा में मैं यहाँ पे दूंगा, मान लीजिए आईडी, एक आईडी होगा, देन डेट, टाइम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, ठीक है, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। यहां पे टर्म एंड कंडीशन को ट्रू किया है कि नहीं किया है। ओके, अब यहां पे दिक्कत एक चीज और भी आती है कि मैं यहां पासवर्ड डालता हूं तो पासवर्ड दिख रहा है ना, पासवर्ड नहीं दिखना चाहिए ना सर,
तो मैं अनप्रोटेक्ट करता हूं, पास वाले सेक्शन पे जाता हूं, दोनों को सिलेक्ट करता हूं और फॉर्मेट में आता हूं। फॉर्मेट में नंबर फॉर्मेट के कस्टम पे हम यहां क्या करेंगे, स्टार को दो बार लिख देंगे, दो बार स्टार लिख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं यहां पे पासवर्ड लिखूंगा, जैसे एंटर प्रेस, जैसे एंटर यहां नहीं हुआ, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट से एक स्टार कर रहा हूं, क्या दो स्टार कर रहा हूं, एक को इंपॉर्टेंट फोन रखना है क्या, हमने दो बार स्टार लिख दिया। हटा देते हैं तो यहां सिर्फ स्टार स्टार ही दिखना चाहिए, सर एक बार हैश लगा के ट्राई कर सकते हैं, एस दो स्टार, नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हो जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा नहीं हो रहा। छोटी सी एक दिक्कत थी जिस कारण से नहीं हो रहा था, क्या करेंगे इसके लिए, हम दोनों को सेलेक्ट, इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, इसकी कलर एक बार, कलर जो है कलर तो ज्यादा दीजिए, कलर बोल्ड ही रहेगा, कंट्रोल के साथ इसको सिलेक्ट किया, बैकग्राउंड ऑटोमेटिक कलर कर देता हूँ, राइट क्लिक, फॉर्मेट से। अब यहाँ पे हम दो स्टार नहीं डालेंगे, हम यहाँ पे डालेंगे एक दो तीन सेमी कॉलन, फिर इस पे दो बार स्टार कर देते हैं। इसे क्या हुआ कि ऐसे आपको यहाँ दिखेगा नंबर दिख रहा है पासवर्ड, जैसे मैं पासवर्ड लिख के एंटर प्रेस करूंगा तो स्टार, एक्चुअली पासवर्ड ही रहेगा पर शो करेगा स्टार, तो ये फॉर्म ठीक लगी सर। अब ये इंटरफेस कितना अच्छा इंटरफेस है ना सर, अब इस पे आपको कोडिंग करनी है, तो आप सेम जैसा फॉर्म मैंने बनाया है ऐसा ही फॉर्म एक बार बनाए और फिर डेटा के अंदर डालें, और इस पे जो कोडिंग मैंने एक कोड यहां पे कोडिंग की है सेम कोडिंग आप यहां हो जाएगी, आपसे हो जाना चाहिए, ठीक है, ट्राई करेंगे तो करके कर दीजिए। हाँ जी सर, ओके, गुड नाइट।